इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज IIHR ने दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया। इस कार्यशाला का विषय सेमी डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंटरवेंशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर ए ग्रोथ ऑफ PCUs था। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी थे। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में UN Habitat के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मार्केंडे राय मौजूद थे। कर्नल राजीव रंजन, भाजपा किसान मोर्चा गुजरात के प्रभारी दीपक ठाकुर, SN पांडे, प्रोफेसर डॉक्टर रवि जेई, कवियत्री मंजूषा रंजन, विद्वेश्वर शर्मा मुख वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। IIHR के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन कुमार ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण किया और इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की कार्य पद्धति पर खास चर्चा करते हुए आज के समय में तकनीकी मांग पर खास जोर दिया और आज के समय में PCUs में कैसे इस पर जोर दिया जाए, इस पर खास चर्चा की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रियरंजन त्रिवेदी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी कौशल पर खास जोर दिया जाने की जरूरत है और बताया कि अगर समय रहते PCU तकनीक को अद्यतन बना ले तो विनिवेश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने मिलकर किया इस काम को और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोग पिछले 45 वर्ष लगे हुए हैं। नया संस्थान इन्होंने खोला है और आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें इनका उद्देश्य आज का जो विषय था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण क्या असर पड़ेगा खासकर पब्लिक सेक्टर, इस पर चर्चा हुई है आज। ये बड़ा आवश्यक भी है कि लोग क्रम जीतते हैं, घाटे में चल रहे हैं और का मतलब केवल पब्लिक सेक्टर कहने के लिए नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट को भी मैं पब्लिक सेक्टर मानता हूँ, मंत्रालय को भी मानता हूँ और सरकारी हॉस्पिटल है वो भी पब्लिक सेक्टर है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं भारत में लोग ऐसे नहीं है, उन लोगों का इस्तेमाल नहीं हो पाता और प्राइवेट सेक्टर में उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट है और इसमें घाटा लग रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद मार्केंडे राय ने कहा कि हम तकनीक का इस्तेमाल विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, आज केवल नीतियां बनाने की जरूरत नहीं बल्कि इस पर अमल करने की जरूरत है। भारत की युवा शक्ति में बहुत बड़ी संभावनाएं लगती है जी, हमेशा से ये कहा जा रहा है, ये सत्य भी है कि भारत युवाओं का देश है जी। आज जबकि 25 साल से कम उम्र के 600 मिलियन 60 करोड़ लोग, उनकी शक्ति को और ऊर्जा को अगर हम सही दिशा में सही ढंग से उपयोग करें, हमारा मानना हमेशा से है कि युवा शक्ति जो है पॉजिटिव ऊर्जा जी, कभी कभी नेगेटिव रूप में किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनको अगर हम सही दिशा में लगाएं तो भारत को प्रगत करने में, आज की टेक्नोलॉजी को, नए नए विधाओं को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके भारत में सुखी समृद्धि और प्रॉफिट ला सकते हैं। इस मौके पर मौजूद समाज सेवी व उत्प्रेरक वक्ता दीपक ठाकुर ने विपिन जी को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह का विषय विपिन जी उठाते रहे हैं उस मायने में वे सकारात्मक सामाजिक क्रांतिकारी हैं और आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है और इन्हें अपनाकर भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। समय की मांग टेक्नोलॉजी का भारत में अधिकाधिक उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ये चार चीज़ें हैं जो आज के समय की आवश्यकता है, जिससे आप जो भारतवर्ष में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई और भारत 100 साल पीछे चला गया, यहाँ के रॉ मटेरियल मैनचेस्टर की फैक्ट्री चली और वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जी यूरोप आगे इस मौके पर कर्नल राजीव रंजन ने कहा कि आज देश में निजी और सरकारी संस्थाओं में अंतर साफ दिख जाएगा, इस अंतर को पाटना है तभी बेहतर हो सकता है। जो अगर हमें विकास करना है तो तकनीकी की अत्यंत आवश्यकता है, अगर आप तकनीकी में पिछड़ रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आपने देखी है, कोडक हो या नोकिया हो या जहाँ भी, सब लोग आगे अगर नहीं उसने अपनाया तो निश्चित पर गया और कंपनी बंद हो गई, बैंकक्रप्ट। उसी के साथ जरूरत है मैन बिहाइंड द मशीन, हम
टेक्नोलॉजी ले आए। अब पीएसयू के बारे में देखें, क्या मशीन टेक्नोलॉजी ले भी आए और वहाँ की मैन पावर को हम उस हिसाब से तैयार नहीं कर रहे, उनको प्रशिक्षित ना करें, उनको एफिशिएंट ना करें, तो फिर वो पीएसयू नहीं चल पाएगी, घाटे में रहेगी। अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि तकनीकी कौशल और इसका अधिकाधिक उपयोग भारत को आर्थिक सुपर पावर बनाएगा। साथ ही डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि अब तो भारत के किसान भी डिजिटल तकनीकी के माध्यम से अपने उत्पाद को देश के विभिन्न भागों में जहां उचित दाम मिले वहां पर बेच पा रहे हैं। जी, बिना तकनीक के अपनाए हुए जी हम अपने समाज को अपने देश को नहीं बना सकते। बदलते समय में हम सब लोगों को बदलना होगा, तकनीक को अपनाना होगा जी, और तकनीक को अपना करके आज के युवा वर्ग को अपने स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना होगा। जब युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो समाज आत्मनिर्भर बनेगा, और समाज के आत्मनिर्भर बनने से देश भी आत्मनिर्भर होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है स्वर्णिम भारत, ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का, निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम से बहुत प्रेरणा मिलती है। कि आपको मालूम है कल और आज दो दिन ये कार्यक्रम चलाया गया, कल डिजिटल माध्यम से चला, आज सब लोग इकट्ठा होंगे और तकनीक को कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए, तकनीक को संस्थाएं कैसे अपनाएं, देश कैसे अपनाएं, कैसे अपने उत्पादकता में वृद्धि करें, इसको लेकर के हम लोगों ने दो दिन तक काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का प्रभाव हमारे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा और युवा वर्ग तकनीक को ज़्यादा अपना सकते हैं। इस मौके पर कुणाल प्रकाश ने तकनीकी के बदलाव पर फोकस दिया और कहा कि अगर समय रहते अपने आप को नहीं बदला गया तो तकनीकी उसे बाहर कर देता है। अब टेक्नोलॉजिकल सेंचुरी में चीजें अगर आप छोटे से जब अपने घर का तो पहले क्या होता था कि पीली कलर की बल्ब, उसके बाद अचानक से हम सीएफएल से फिर हम एलईडी के बल्ब, हमें पता नहीं चला तकनीक भूल हो गई, लोगों को सिचुएशन समझ में नहीं आई। आज के डेट में सेम वे है, जब तकनीक आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, इंडस्ट्री 4.0 बेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें जो चीज़ें हैं बहुत रैपिड स्केल से आ रही है। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, इन्हें अपनाकर भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। सिलिकॉन वैली भारत के कौशल से ही विश्व पर राज कर रही है, तो फिर भारत ही उसका केंद्र क्यों न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews24x7.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।